है खास हर अंदाज। तुमने हमारी सारी खुशियां छीन ली, हमारी दादी का प्यार हमसे छीन लिया, उनकी नजरों में हमें गिरा दिया। अरे हमारी तरफ दादी देखने तक को तैयार नहीं थी। तुम अच्छी तरह से जानती थी दादी हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ है, पर तुमने बर्बाद कर दी हमारी दुनिया। तो इसलिए आज हमने तुमसे तुम्हारे सारे सपने छीन लिए। तो अब हुआ हिसाब बराबर। और आप सब सोच रहे होंगे कि हमने ये सब कैसे किया, वो भी हम आपको बता देते। हमने तय कर लिया था कि हम ये शादी नहीं करवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए हमने प्लान बनाया अग्नि को बेहोश करने का। लेकिन इसने चालाकी से हमको ही बेहोश कर दी और हमें इस घर से दूर एक सुनसान जगह पर बंद कर दिया, ताकि हमारी वजह से शादी में कोई तकलीफ पैदा ना हो। हमें जैसे ही होश आया हम भाग कर यहां पहुंचे। और यहां पहुंच के पता चला कि तीन फेरे खत्म होने ही वाले थे। और उसके बाद हवन कुंड से धुआं निकला, लाइट बंद हुई और आप सब लोग बेहोश हो गए। टोनी ने घड़ी का टाइम एडजस्ट किया ताकि जब आप लोगों को होश आए तो आपको पता ना चले कि टाइम निकल चुका है। सबके बेहोश होने के बाद हमने शादी का सेम जोड़ा पहन लिया। और उसी बीच सेंटी ने बेहोश अग्नि को बाथरूम में बंद कर दिया ताकि हम उसकी जगह ले सकें।